Hi, my name is Ahana Kumra. Hi, my name is Soni Razdan. Hi, my name is Ayush Mehra. Hi, I'm Radhika Seth, and please subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. मैं एक चीज बताऊं, ये जो चार यहां पे बैठे हुए हैं, ये इतनी तफरी करते हैं. फिल्म तो अच्छी है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ है स्टारों की स्टार सोनी राजदान. तालियां प्लीज, कम ऑन. साथ में मेरी लखनऊ की दोस्त जो मेरे बगल वाले स्कूल में पढ़ती थी, लमाटनिया लखनऊ से, आहना कुमरा. तालियां. लेकिन आपको लोरेटो वाली पसंद थी. यार मुझे लमाटनियर में एक ही लड़की पसंद थी, वो आप है. बट लमाटनिया गर्ल्स, वी लव यू टू यार. बहुत पापड़ बेले आउटसाइड योर स्कूल. एंड ऑफ कोर्स इस लड़की के साथ आप हैंडशेक भी करोगे, उंगली से उंगली मिलाओगे, यू विल गेट 500 मिलियन व्यूज. आयुष मेहरा, तालियां. थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स ये लड़की जिनके सामने मैं कभी नहीं डांस करूंगा, क्योंकि क्या डांसर है राधिका सेठ के लिए. तालियां प्लीज एवरीबॉडी. अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक बहुत अच्छा सीन लगा अबाउट दिस होल फ्यूनरल वाला सीन. मुझे चंकी पांडे ने मुझे एक बार बोला था हाल ही कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने मुझसे कहा यार कि उनको पैसे मिलते थे टू गो टू अटेंड फ्यूनरल्स. व्हाट आर यू सेइंग? ही वाज ऑफर्ड. यस. और ये भी बोला है कि अगर जो पार्टी थी वो बोलते थे कि यार आपको रोना भी है, ही वुड चार्ज एक्स्ट्रा मनी. सीरियसली लाइक वेडिंग्स के होता है, राइट? मुझे क्यों नहीं बुलाया? बहुत अच्छी रोती है. Oh man, so she's just no, like auditioned for like a nice funeral scene. We had no idea about this. I thought people were only gone for weddings. Oh, we need to have Chunky Pandey come to one of the episodes and write an episode. गौर से देखो ये पार्टी को, इनको पैसे चाहिए, ये कुछ भी करने के लिए तैयार. हाँ हाँ, agents भी बन गए. पैसे. यार पर मुझे बताओ, have you been to a bizarre funeral जहाँ पे किसी को कुछ घंटा फर्क पड़ा लाइफ में कि कौन गुजर गया कौन नहीं गुजर गया है? सब लोग अपना मेकअप कर रहे हैं, टचअप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार कपड़े अच्छे हैं कि नहीं. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ ना, मैं एक्चुअली कभी फ्यूनरल नहीं हूँ. तो आई होप यू नेवर गेट टू गो टू अ फ्यूनरल टू. पर मैं एक बहुत अच्छे फ्यूनरल पे गई हूँ, और वो है दुबे जी का फ्यूनरल. जब उनकी डेथ हुई थी तो हम सब लोग पूरी थिएटर कम्युनिटी दादर में गैदर हुई थी. मैं भी आई थी. हाँ, अब थी. बट एक्चुअली इट वॉज वन ऑफ द नाइसेस्ट क्रिमेशंस दैट आई वेंट टू, बिकॉज ही वॉज क्रिमेटेड. और उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की उनके बारे में. एवरीबडी वॉज लाफिंग, एवरीबडी वॉज एक्चुअली सेइंग सच फॉन्ड सेलिब्रेटिंग हिम. या रियली सेलिब्रेटिंग हिम. और फिर जब उनकी अस्थियाँ जब क्रिमेट होकर आई, देन वी ऑल टुक हिज एशेस, वी वेंट टू पृथ्वी. और वहां पर भी आज एक पेड़ उगा हुआ है जहां पर हम लोगों ने उनकी अस्थियां रखी हुई हैं. यार मुझे एजेंट से पता चलता है कि बहुत सारे एजेंट्स वाहियात एडवाइस देते हैं सोनी जी, माने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वाहियात होता है, यू नो व्हाट आई मीन. हैव यू रिसीव्ड दैट सोनी जी? Not that I can think of. I mean, I'm not sure. I've only been told that Soni ji, आप इतनी special actress हो कि मतलब बहुत मुश्किल है तुम्हें cast करना. You heard that, huh? Yeah, I'm like, but why? Extra special. What happened, Soni ji? आप extra special. आप इतनी मतलब you know special actress. So I've heard that, but I've not been told कि ऐसे करो वैसे करो. I don't think so. राधिका, तुम्हारे साथ कुछ हुआ? नहीं, मुझे ऐसी कोई एडवाइस तो नहीं दी है मेरे एजेंट्स ने अभी तक. लेकिन एक बार मुझे उन्होंने ये बोला था कि तुम इतनी गुड लुकिंग हो कि उन्हें इतनी ग्लैमरस एक्ट्रेस चाहिए ही नहीं थी. तो आई वाज लाइक तुम अच्छा कवर अप था वो. अभी नाउ दैट आई हैव डन दिस शो एंड आई नो हाउ एजेंट्स वर्क एंड हाउ दे ट्राई टू लाइक यू नो ऑलवेज काम यू डाउन, तो मुझे लगता है कि वो झूठ था. आयुष मेरे दोस्त, मुझे ऐसा एडवाइस मिला नहीं है कभी, बट मुझे ये बोलते थे लोग कि यार सब कुछ राइट था यार, तुम्हारा ऑडिशन सही था, तुम्हारा सब अच्छा था यार, बस अगर तुम 2 इंच लंबे होते ना तो तुम्हें मिल जाता. मदर ऑफ द more like the mother of the daughter that you were supposed to play. I'm like, okay, I know, I get it, but yeah. Good cover ups. Ahana. I think मेरा opposite हुआ आयुष का जो था ना, कि तुम 2 इंच छोटे हो, तुम 2 इंच लंबे हो. हमारे सारे एक्टर्स ना तुमसे छोटे होते हैं, तो
इट्स बेस्ट कि हम कोई छोटी एक्ट्रेस लेकर आए तो हाँ मेरा ऑपोजिट हुआ होगा दे दे यार दो इंच दे 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 यार ले ले यार तुझे पाटला चाहिए और मैं आप दोनों का एजेंट हूँ मैं ये डील क्रैक कर दूंगा आपको दो इंच आयुष को पाटला दे देना और आयुष और मुझे दे देना एक साथ बट आई आल्सो हैव बीन टोल्ड दैट यू लुक टू यंग फॉर द रोल सोनी आप ग्रैंडमदर नहीं देखती है समझा करिए आप है कि नहीं हाँ सोनी उनको हमारी वैनिटी में आके देखना चाहिए कि तुम क्या क्या करती हो बता दो खुला से करो मुझे नहीं यार she is just as young as any when I have to be look old I can look old when I have to Sony यार I can maybe look a little young no यार I don't believe it यार अच्छा आप मुझे बताओ एक बहुत solid line है which actually depicts what happens in the Indian film industry 55 साल का हीरो 20 साल की हीरोइन कभी कभार 19 साल की हीरोइन उससे ज्यादा पर जब हीरो के ऑपोजिट ऑनेस्टली एंड आई से दिस ऑन कैमरा कि यंग लड़की होती है कोई कुछ नहीं बोलता बट इफ इट्स अ एल्डर लेडी रोमांसिंग अ यंगर बॉय तूफान मच जाता है ये क्या है वो तो मम्मी दिख रही है इसकी आंटी दिख रही है आंटी शेमिंग शुरू हो जाता है व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट आहना ये तो हमारी कल बहुत लंबी चर्चा भी हुई है और मैंने कहा है कि अगर मुझे पार्टी में कोई हमारे जो उम्र के जो अब मेन लीड एक्टर्स जो हैं अगर मुझे मान लीजिए किसी पार्टी में मिलते हैं और अगर राधिका उनसे इंट्रोड्यूस होती है तो मैं उसको बोलूंगी भाई उनको अंकल बुलाओ हाय अंकल एंड यू वुड ऑब्वियसली कॉल देम एन अंकल बिकॉज दे आर अंकल्स आई मीन इफ आई वुड मीट एन ओल्डर पर्सन इन इंडिया ये तो चाल चलन होता है ना सबको आंटी अंकल बुलाने का तो आई सेड द सेम थिंग आई सेड आई वुड आइडियली हैव लाइक अ 20 ईयर ओल्ड कॉलिंग और एड्रेसिंग हिम एज एन अंकल हाउ इज इट एब्सोल्युटली नॉर्मल इन दिस कंट्री एंड हाउ वीव नॉर्मलाइज्ड इट दैट An older man is, you know, okay with a younger girl. But if an older woman is romancing a younger guy, she'll be called a cougar. So I think like it's this auntie uncle syndrome needs to really go out. And I honestly, I'll also say this, ki ab humare film stars, unko bhi now, you know, because they've also been conditioned for so long, ki this is normal. It's not normal. Now they are, because they are getting so much of backlash for it. Now they are also kind of stepping back. Aur wo log bhi, matlab, ek tarah se dekh rahe hain, they're like, oh yeah, you know, maybe we should get somebody who's, at least hum umr. And maybe do things on camera, which is suiting the age and personality, right? But they look really funny. Like they make jokes of themselves. So it's a massive joke. Hmm. And it's not going to work in today's time. So yeah. I hope so because some still end up doing it. Chahe jo bolo aap. Soni ji, aapki rai. Meri rai iske baare mein. Matlab ki what's good for the goose is good for the gander. That's what I think. So it should be, if it's okay for this, it's okay for that. I think films depict reality. So if it's there in reality, fair enough. If it's not there in reality, then it looks a bit idiotic. I think to make it a principle that, okay, I will look older if I have an older heroine opposite me, is now just being, it's now being not with the kind of current times we're living in because the times have changed. And what looks real always looks much more believable. And what's believable is what the audience is going to connect with. So I think that's... You know, statement कुछ महीने या सालों पहले नीना ये ने डाला था बिकॉज शी रीच्ड अ सर्टेन एज नीना जी केम आउट इन द ओपन एंड सेड यार मुझे भी काम दो यार मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ एन एक्ट्रेस शी इज राइट व्हाट एन एक्ट्रेस एंड शी सेड बॉस बिकॉज आई रीच्ड अ सर्टेन एज दे वर नॉट गिविंग मी वर्क एंड आफ्टर दैट ट्वीट वेंट वायरल एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड कॉलिंग हर कभी आपके साथ ये हुआ है सोनी जी Yeah, I mean, for the longest time, I wasn't getting any work either. But I honestly also think it's now become, it's things have changed, not because of a tweet or because of this or because of that. It's because we now have OTT platforms like Netflix who are writing stories for people who of different age groups, which we didn't have earlier. We were only restricted to films, and films only so many films can be made. So I think ye matlab, it's a natural progression of things. It's not necessarily because of this or because of that. Yes, that post did change Nina's career completely and turned it around. And I think that's wonderful. And in a way, it's also set a benchmark because it's also made people realize that hello, older women can also draw in the crowd. So why not? जब आपको उस वक्त काम नहीं मिल रहा था एंड वी ऑल नो यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस नो वन नीड्स टू से दैट टू यू इट्स स्टूपिड इफ आई से दैट टू यू
What were you going through at that time? Did you actually pick up phone calls and make phone calls and say, you know what, main hoon, why are we not working together? Aapne kiya tha aise? Kabhi kabhi kiya hai, kyun nahi? Because that's my job. I mean, I would reach out to people. That's when I used to call my manager and he used to say, arey, aap itni special actress ho, toh isliye shayad nahi mil rahi. To bolo OTT ki jai ho! Jai ho!